नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पावरफुल स्टडी चैनल पर। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूपी फ्री टैबलेट वाइज स्मार्टफोन वितरण को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, फाइनली यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम एमएमएससी सभी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, सभी छात्रों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस वीडियो में आपको सारा कुछ लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। चाहे आप जिस भी जिले के छात्र हो, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप अपने जिले का नाम कॉमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 1 मई को किन जिलों में टैबलेट वाइज स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा, उसके बाद आगे 3 मई को किस जिलों में वितरण किया जाएगा, आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक मई की रिपोर्ट को देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सिंगारी देवी स्मारक पीजी कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, रामनगर अंबेडकर नगर। जी हाँ दोस्तों, अंबेडकर नगर में कई कॉलेजों में जो है 1 मई को टैबलेट वाइज स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है, जो कि यहाँ पे आप पूरा सीरियल नंबर एवं विषय सब कुछ देख पा रहे होंगे। यहाँ पे यानी कि किस जगह वितरण किया जाएगा सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, जो कि यहाँ पे एक नोट दिया गया है सभी छात्रों के लिए। इंपॉर्टेंट नोटिस है, बताया गया है कि सभी छात्र छात्र अपना नाम, पिता का नाम, सीरियल नंबर, विषय नोट करने के बाद ही अपने कक्ष में प्रवेश करेंगे। यदि वे किसी दूसरे कक्ष में बैठते हैं तो डिवाइस ना मिलने पर समस्त जिम्मेदारी छात्र छात्रा को होगी। दोस्तों इस तरीके से हर कॉलेज में सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं दोस्तों, इसको आपको ध्यान देना है। बात करते हैं कि यहाँ पे 3 मई को किन जिलों में वितरण किया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो 3 मई को बटेगा टैबलेट वाला स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, राजा देवी महिला पीजी कॉलेज सलाहपुर भटनी में 3 मई को बीए बीएससी बीकॉम बीएससी भाग तृतीय एवं बीएड भाग दो की छात्राओं को टैबलेट वाला स्मार्टफोन का जो वितरण किया जाएगा। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार राय ने बताया कि जिन कॉलेज छात्राओं का नाम सूची में है वे 3 मई की सुबह 9:30 बजे महाविद्यालय में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद्र तिवारी, मुख्य अतिथि रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया, कार्यक्रम अध्यक्ष जिला, यानी कि सब उपस्थित रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर 3 मई के लिए बड़ी खबर है। अब बात कर लेते हैं कि अगले जिले की तरफ से क्या बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है 10 बजे प्रातः यानी कि 1 मई को ही यहाँ पे भी वितरण किया जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको इसका जो नोट पूरा पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर जाकर सेंड कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और देख पाओगे कि आप पूरी अपडेट अच्छी तरीके से किस जिले में टैबलेट वाइज स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। आप चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री ने अभी कल ही हाल ही में टैबलेट वाइज स्मार्टफोन का वितरण किया है, यानी उन्होंने बताया कि यह धीमी गति क्यों थी। उन्होंने बताया कि रसिया और यूक्रेन युद्ध के कारण जो चिप बनाई जाती थी यानी कि जो टैबलेट की चिप होती है दोस्तों, वह उससे बनने में थोड़ा यहाँ पे विलंब हुआ है, इसकी वजह से टैबलेट वितरण में देरी हुई है, क्योंकि वहाँ पे युद्ध की वजह से वहाँ से जो चिप की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसी की वो दोरी यानी कि वही कारण बताए हैं कि यहाँ पे इसी की वजह से यहाँ पे टैबलेट वाला स्मार्टफोन का वितरण नहीं किया गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हर कॉलेज की तरफ से जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है आपको, उसमें आप यदि जुड़े होंगे अपने कॉलेज की तरफ से, तो आपको इस तरीके का यानी कि मैसेज आता रहेगा कि यहाँ पे अंतिम वर्ष के छात्राओं को टैबलेट वाला छात्राओं को सूचित किया जाता है कि मई के प्रथम सप्ताह में टैबलेट वितरण के आयोजन के लिए अपनी प्रतिदिन उपस्थिति सुनिश्चित करें, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है। इस तरीके से आपको नोटिस के माध्यम से बताया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बता दीजिए आपके जिले के। फाइनली आपको टेलीग्राम पर जाकर के वहाँ से इस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, यानी कि जो प्रशासन ने 1 मई को 3 मई को यहाँ पे टैबलेट वितरण के लिए बताया गया है, इन सभी कॉलेजों की लिस्ट मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा।